इसकी आवाज सुन के ही आपको इसके क्रिस्पीनेस का अंदाजा आ सकता है। और इसकी चरचराहट की आवाज सुन के किसी भी फिश प्रेमी को भूख लग सकती है। सी द साइज ऑफ दिस फिश। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और ट्रिप पाइप चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो ये एपिसोड होने वाला है एक फूड व्लॉग, और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ अलग टाइप की फिशेस जो यहाँ पे लोग खाते हैं। सो स्टार्टर से लेके आपका मेन कोर्स से लेके बहुत अलग अलग टाइप की फिशेस यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो उनमें से कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग इस व्लॉग में, और वही आपको दिखाने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं कुड़ाल का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है हिलरूफ नाम का, वहाँ पे। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं कोंकण के कुछ ऐसे हिडन जेम्स जहाँ पे आप ये अलग अलग व्यंजन ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन हिलरूफ रेस्टोरेंट, और थोड़ा इंटरनल साइड है और काफ़ी ऊपर नीचे वाले रास्ते हैं, ऐसे ऐसे ढलान वाले रास्ते, काफ़ी नैरो सड़क है, पर मेनू काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनका, तो फिर यार इतना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो ये इनका मेन्यू कार्ड है। सो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और थोड़ा आपको रेस्टोरेंट खाली दिख रहा होगा, पर एक्चुअली हम लोग थोड़ा जल्दी आए ताकि अच्छे से व्लॉग शूट कर पाए, तो थोड़ी भीड़ कम लग रही है। मैंने आने के बाद इनसे पूछा कि इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या है, तो उन्होंने 2-3 आइटम बताए, तो जिसमें से अपन ने अभी ऑर्डर लिया है स्क्विड गोल्डन फ्राई, देन अपन लेने वाले हैं प्रॉन्स बटर फ्राई, और इसके बाद क्रैब फ्राई। तीनों स्टार्टर आइटम ही हैं। इनका और एक आइटम फेमस है, वो देख के मैं आया था यहाँ पर अभी एक्चुअली अवेलेबल है नहीं उनके पास, लॉबस्टर, तंदूर लॉबस्टर, तो ज़रूर उसके लिए अपन वापस एक बार इनके पास आएंगे बीच में, तो इसका सेकंड पार्ट तो बनता ही है। मैंने उनको पूछा है कि हम लोग इसका थोड़ा सा अंदर, मतलब ये कैसे बनता है, या एक बार हमारे दर्शकों के लिए दिखा सकते हैं, तो उन्होंने हाँ तो बोला है, तो एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये कैसे बनता है। सो फर्स्ट आइटम अपना आ चुका है, ये है प्रॉन्स बटर फ्राई। एक्चुअली मैं इसको देख के थोड़ा डिसीव हो गया कि मेरे को लगा ये बॉम्बिल है। सो बेसिकली अभी जो उन्होंने मुझे समझाया, तो ये एक्चुअली प्रॉन्स को बीच में से कट दिया जाता है, और जो बीच में उसके काला धागा होता है, जो खाने से काफ़ी लोगों का पेट भी ख़राब हो सकता है और थोड़ा हैवी हैवी फील होता है, तो वो निकाला जाता है, देन उसको थोड़ा सा पिन रोलिंग पिन से इसको थोड़ा सा ऐसे किया जाता है, प्रेस किया जाता है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें से जो जूस है वो भी रखना ज़रूरी होता है, एंड देन इसको रवा मसाला फ्राई करते हैं। तो ये इसकी परफेक्ट टेक्निक है। खाना बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है, कहीं पे भी आपको एक्सेस तेल नहीं दिख रहा है, बहुत ही परफेक्ट टेम्परेचर में इसको फ्राई किया गया है। और इसके साथ अपने को जो दिया गया है वो है ये ग्रीन चटनी है और सलाद है, तो अभी मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट डीप करता हूँ। बहुत ही अच्छे से फ्राई किया गया है, कभी भी एक्सेस तेल का इस्तेमाल किया नहीं गया है, परफेक्ट फ्राइड है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, क्रिस्पी है, स्पाइसी है, और उसके बीच में जो प्रॉन्स का टेस्ट है वो कहीं पे भी नहीं गया है, वो आ रहा है, तो जो प्रॉन्स लवर है उनके लिए मस्ट ट्राई डिश है। बहुत ही अच्छे से फ्राई किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही स्वादिष्ट है, और चटनी के साथ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपन कभी भी जाते हैं बाहर जाते हैं, तो स्टार्टर में अपन वैसे भी चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, यही आइटम खाते हैं, तो बट ऑब्वियस ये बहुत अच्छे आइटम्स हैं, तो ये आइटम आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। शर्त ये है कि आपके शहर में ये मिले, या तो फिर आप कुड़ाल आइए और इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिए और ये चीज़ ट्राई कीजिए। तो जैसे मैंने कहा था, हम आ गए हैं इनके किचन में ये स्क्विड गोल्डन फ्राई कैसे बनती है वो देखने के लिए। इसको बहुत पेशेंटली एक एक करके छोड़ा जा रहा है इसमें,
ताकि वो एक साथ जाके चिपके नहीं अंदर। इसकी आवाज सुन के ही आपको इसके क्रिस्पीनेस का अंदाजा आ सकता है। जब तक ये स्पीड फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ ये साइड में यहाँ पे क्रैब फ्राई हो रही है। और इसकी चरचराहट की आवाज सुन के किसी भी फिश प्रेमी को भूख लग सकती है। ये स्क्विड रेडी हो चुकी है हमारी। स्क्विड होता है उसके छोटे छोटे हिस्से को मैदा और कॉर्नफ्लोर और मसाले मिला के स्टार्च किया जाता है और फिर उसको फ्राई किया जाता है। और इसको ये दिया है खाने के साथ, ये मेयोनीज के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लग रहा है ये। थोड़ा थोड़ा मैं ये प्रॉन्स से मतलब प्रॉन्स जैसे इसका थोड़ा थोड़ा ऐसा जूसी मैस लग रहा हूँ। आउटर साइड है जो काफ़ी क्रिस्पी है कॉर्नफ्लोर मैदे की वजह से, काफ़ी मीडियम स्पाइसी है, काफ़ी स्पाइसी था ना, मीडियम स्पाइसी है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए बारिश में मतलब जब आप पकौड़े निकालते हो तो नॉन वेजिटेरियन के लिए अच्छा मतलब आइटम है। बहुत ही मज़ेदार आइटम है इस रेस्टोरेंट में। यू शुड कम एंड ट्राई दिस अगर आप कहीं पर भी आसपास में हो। हाईवे से मेरे को लगता है 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा, 2 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे है। तो अगर आप कहीं मुंबई गोवा हाईवे पे कहीं पे भी हो और कुडाल साइड से गुजर रहे हो तो इस जगह को आप ज़रूर ट्राई करिए। अलग अलग वैरायटीज़ है और फिश को अलग तरीके से बनाने की इनकी वो स्पेशलिटी है। तो मुझे तो भाई मज़ा आ रहा है भाई। जो अपने कैमरा मैन है उनके लिए भी एक स्टार्टर आया है। इतनी सारी भीड़ के बीच में उन्होंने भी अपना एक वेज स्टार्टर मंगाया है। तो ये है पनीर पापड़ी है और दिखने में बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। और एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको। तो ये देखिए ये काफ़ी नगेट्स जैसा लग रहा है और पूरे पनीर के स्टिक्स है, पूरी पनीर की स्टिक्स है। और मज़ेदार है। इसके ऊपर आउटर कोटिंग में ये पापड़ के टुकड़े लगाए गए हैं और इसके लिए इसका नाम पनीर पापड़ी है। सारे आइटम इनके बहुत A1 है। सो ये अपनी थाली आ गई है, चाणक थाली। और अगर आप मेरी पूरी टेबल देख पा रहे होगे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं कोलीवाड़ा में बैठा हूँ, फिश मार्केट में बैठा हूँ और चारों तरफ मैं फिश के बीच में बैठा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब ये थाली में क्या क्या आया है वो। सो ये देखिए, ये शुरू में जो है वो ये सोलकड़ी है। ये आपको हर राइस प्लेट में दिखेगी, यहाँ पे वेज लो नॉन वेज लो कोई भी राइस प्लेट में लो तो ये जो सोलकड़ी है वो आपको हर जगह पे मिलेगी। ये पाचक होती है और ये कोकोनट और कोकम और लहसुन इन सारे इंग्रेडिएंट्स के मिला के बनाते हैं। इसके नेक्स्ट जो अपने को थाली में मिला है वो गोली में, ये जो सूखी सब्जी दिख रही है आपको ये एक्चुअली गोली में। देन ये है सीपिया, शिमला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तीसरा बोलते हैं। तो तीसरा ये ग्रीन मसाले में बनाया गया है, नॉर्मली काफ़ी जगह पे आपको ये लाल मसाले में दिख जाते हैं। देन यहाँ पे ये फिश करी है और देन प्रॉन्स करी है जो येलो कलर की है। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम अपने जो कोकोनट रेस्टोरेंट में ट्राई किया था तब भी येलो कलर की थी। तो शायद यहाँ पे सारे लोग जो प्रॉन्स करी है वो येलो कलर में ही बनाते हैं। साथ में उन्होंने राइस दिया है, चपाती दी है, सैलड है थोड़ा सा और ये है आपकी गोवा की फेमस फिश चाणक। तो ये अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ। See the size of this fish. तो इसको हम लोग अभी नीचे रख देते हैं और राइस को बाहर निकालते हैं ताकि आराम से खा पाए। शुरुआत अपन चपाती के साथ करने वाले। तो फर्स्ट टाइम अपन ट्राई करते हैं ये गोली में, जो सूखी सब्जी है गोली की। इसको ये सब्जी दिख रही है तो बाहर से अगर आप देखोगे तो इसको करेले की सब्जी की तरह थोड़ी सी ड्राई सब्जी लग रही है।
अच्छी लग रही है, थोड़ी ड्राई साइड है और जो सूखी सब्जी होती है अपनी वैसे आपको लगेगी ये। तो इसके बाद अपन जो ट्राई कर रहे हैं ये जो है सी पी आई वो ट्राई कर रहे हैं, जो सी पी आई है नॉर्मली आपको ये जो है वो रेड मसाले में या लाल मसाले के साथ ये दिखती है, पर यहाँ पे ये ग्रीन मसाले के साथ बनाई गई है, टेस्टी है। ट्राई करते हैं चाणक, ये देखिए बहुत ही टेंडर फिश है, टेस्टी है। और आपको ये शायद थोड़ी सी जो किंग फिश होती है सुरमई होती है उसके जैसा इसका टेस्ट लग सकता है, एकदम नहीं थोड़ा सा लगी है, पर हाँ थोड़ा बहुत आप उस पर रिसेंबल कर सकते हो कि आप उससे मतलब मिलता जुलता टेस्ट है। तो बहुत अच्छे से फ्राई किया गया, ये कोई अलग मच्छी लग रही है, इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटरनेस की तरफ है पर अलग है, अच्छा है। अब ट्राई करते हैं प्रॉन्स करी, बहुत ही शानदार है, जिंजर गार्लिक का फ्लेवर जो है स्पेशली जिंजर का फ्लेवर आ रहा है, उठ के आ रहा है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। ग्रेवी का जो बेस होता है वो कोकोनट यूज किया गया है। And at this moment power cut happened and we shoot rest of the vlog in low light. तो अब टाइम है चावल लेने का और अंधेरा होने की वजह से कुछ क्लियरिटी कम आ रही है, पर हम खाना खाने से कैसे रुके। तो जो चावल जो है वो मैं खाने वाला हूँ प्रॉन्स ग्रेवी के साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। पावर कट होने के बाद मैंने मेरी थाली फिनिश की, प्रॉन्स करी और राइस साथ में थोड़ा अचानक फिश, ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लग रहा था। थाली फिनिश करने के बाद मैंने डेजर्ट में लिया सैराडुरा, ये एक पोर्तुगीज डिश है और इसको क्रीम और मारी बिस्किट के साथ बनाया जाता है। आउटर साइड ये दिखने में कैरेमल कस्टर्ड जैसा दिखता है पर ये थोड़ा सा हार्डर साइड होता है और खाने में ये बहुत ही यमी लगता है। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग अभी व्लॉग ख़त्म कर रहे थे तो आपने देखा ही होगा कि लाइट चली गई थी और काफ़ी देर हो गया लाइट आई नहीं, तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स में जो लाइट्स जो है वो पीछे वाले शॉर्ट्स में थोड़ी इतनी क्लियर आई नहीं है। बाकी खाना एक नंबर था, मेरा पूरा पेट भर गया और जैसे मैंने आपको कहा था कि चाणक फिश है वो टेस्टी थी और स्लाइटली वो किंग फिश मतलब जो सुरमई जैसी लग रही थी पर उसका टेस्ट अलग है और काफ़ी मस्त और काफ़ी टेंडर फिश है, तो वो खा के मज़ा आया और पूरे फिश में एक भी काटा नहीं था। तो फिर जो नए फिश खाने वाले हैं उनके लिए ऐसे फिश मतलब आप इस फिश से आप स्टार्ट कर सकते हो, एकदम नेचर के बीचों बीच ये रेस्टोरेंट बसा हुआ है, जो ओनर है वो काफ़ी फ्रेंडली है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की हमें जो कि सच में अच्छी थी और अभी भी आके पूछा कि खाना कैसे लगा और ये सब चीज़ें की। तो अच्छा लगता है आपको जब आप किसी रेस्टोरेंट में आते हो, आपको आके ऐसे बार बार आपको मतलब हर चीज़ मिल रही नहीं मिल रही वो चेक करता है, और ऐसे नहीं कि हमारे हम लोग बना रहे थे इस वजह से, पर वो बाकी लोगों के पास जाके वही चीज़ चेक कर रहे थे कि कैसे खाना लगा आपको और वो सारे फीडबैक ले रहे थे। तो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। होपफुली अभी जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग बनाएंगे, पर आज इतनी पेट में जगह है नहीं तो हम लोग अभी तो निकल रहे हैं घर के लिए। मेन जो हाईवे है उससे भी ये 2-3 किलोमीटर अंदर ही है, पर आपका अगर नई नई चीज़ें और नए नए डिशेस ट्राई करने हैं फिश के ऊपर तो यहाँ पे आपको ज़रूर एक बार विज़िट करनी चाहिए हिल रूफ रेस्टोरेंट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा
अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा व्लॉग लगा हमारा, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स।